कोकिला लता मंगेशकर आज इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके निधन पर पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, मेरा दुख शब्दों से परे है। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। राहुल गांधी ने कहा, लता मंगेशकर के निधन की दुखद खबर मिली। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुनहरी आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और फैन के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। नितिन गडकरी ने लिखा, देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत धारकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचकर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन किए, उनके परिवार को सांत्वना दी। लता दीदी हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। नितिन गडकरी आगे लिखते हैं, 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अभिनेता अक्षय कुमार ने लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट कर शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे, और ऐसी आवाज को कोई कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदना और प्रार्थना। ओम शांति। संगीतकार विशाल ददलानी ने लिखा, आशा करता हूं कि आशा जी के खिलाफ ये सच नहीं है। अगर ऐसा है, मेरे पास इस नुकसान और दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है। लता जी की आवाज इंडिया की पहचान है जो हमेशा रहेगी। भूमि पेडनेकर ने भी दिग्गज गायिका को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, एक बहुत ही दुखद दिन हम सभी के लिए, उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। आपका योगदान हमेशा अमर रहेगा। परिवार और दुनिया भर में उनके सभी फैंस के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। अभिनेता बुमन ईरानी ने भी ट्वीट कर अपना दुख जताया। बुमन ने लिखा, वो एक परी की तरह लग रही थी और अब वो एक हो गई हैं। शांति लता दीदी की आत्मा को शांति मिले। चिरस्थाई शांति।